जी, सरकार ने शिक्षा व शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के नाम पर 180 दिनों की इंटर्नशिप का निर्णय छात्रों पर सौंप दिए जाने के खिलाफ मंगलवार को पंचकुला सेक्टर 5 के यवनिका में जेबीटी स्टूडेंट्स फॉर्म द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के विभिन्न जिलों से आए विद्यार्थियों ने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रदर्शन किया। धरने के बारे में बताते हुए एक छात्रा ने बताया कि सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हजारों शिक्षकों की भर्ती करनी थी, लेकिन सरकार इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षकों की जरूरत को पूरा करना चाहती है। इंटर्नशिप के द्वारा सरकार के हर साल लगभग 20,000 छात्र शिक्षक के रूप में मिल जाएंगे। देखिए, ये ना जेबीटी में नई इंटर्नशिप लागू की है सरकार ने, जो 180 दिन की है। पहले तो जेबीटी उन्होंने 2 साल के स्टार्ट की थी, बट उसमें 180 दिन और इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे वो जेबीटी के पूरे 3 साल कर दिए उन्होंने, जो कि जहाँ यहाँ जेबीटी के स्टूडेंट्स पे ना थोपा गया है एक तरह से, क्योंकि इसमें वो 180 दिन की इंटर्नशिप में ना तो बच्चों को कोई इनकम दे रहे हैं, ठीक है, बाकी जो भी पोस्टिंग होगी जहाँ भी उनकी जो भी खर्चा होगा उनका खुद का होगा, ठीक है, सरकार इनको कोई इनकम नहीं देना चाहती है। और हर साल हरियाणा में 20,000 के करीब स्टूडेंट्स जेबीटी पास करते हैं, और सरकार नहीं चाहती है कि नए प्राइमरी टीचर्स को भर्ती मिले, इसलिए अगर हर साल 20,000 स्टूडेंट्स पास करते हैं तो उनकी इंटर्नशिप अगर 180 दिन की होती है, और वो उनकी इंटर्नशिप पूरी होने के बाद जो नेक्स्ट आएंगे उनकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है 180 दिन की, तो जो जा चुके हैं इंटर्नशिप देके उनकी जॉब की कोई चांसेस नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि ये इंटर्नशिप पूरी तरह से बंद कर दी जाए। बहरहाल उन्होंने सरकार से यह फैसला वापस लेने की मांग की है, साथ ही उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर उनकी मांगे न मानी गई तो वे अपना प्रदर्शन तेज कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।